हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और अब से कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले या फिर कह सकते हैं कुछ महीने पहले हमारे सामने आया मैजिस्क वर्जन 24 और इसके साथ में काफी सारे चेंजेस आए जो कुछ लोगों को पसंद भी आए होंगे, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ये एक अच्छा अपडेट बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर से काफी सारे ऐसे फीचर्स को हटा दिया गया जिनको हम लोग यूज करते थे अपने फोन पे बहुत सारी चीजों को करने के लिए। अब इसके साथ में आज के समय में काफी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि वो इसके साथ में अपने फोन का CTS वेरिफिकेशन नहीं कर पाते या सेफ्टी नेट प्रोफाइल जो होती है ना उसको बाईपास नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप मैजिस्क 24 को यूज करके अपने फोन पे CTS प्रोफाइल वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना एंड फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है मेरा फोन और इस पे मुझे आ रही है ये CTS प्रोफाइल वाली प्रॉब्लम, जो कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। रन सेफ्टी नेट करा मैंने यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो आप लोग बेसिक इंटीग्रिटी CTS प्रोफाइल मैच दोनों के दोनों फेल हो रहे हैं। और इसके लिए हमने इंस्टॉल कर लिया है मैजिस्क। मैजिस्क कैसे इंस्टॉल करना है पुराने वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली अपने फोन के ऐप ड्रॉअर में जाना है, मैजिस्क के अंदर जाना है और मैजिस्क के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सिंपली आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद में सिंपली आपको स्वाइप करना है ऊपर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ज़ाइजिस्क बीटा, ये आपको इनेबल कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है रिबूट टू अप्लाई, रिबूट भी अभी करेंगे। इसके बाद में इनफोर्स डिलाई लिस्ट, ये भी आपको इनेबल कर देना है। और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे लिस्ट। ओके, तो डिनाई लिस्ट में आने के बाद में ये तीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ जाना है शो सिस्टम एप्स, इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ जाने के बाद में हमें सिंपली सर्च करना होगा प्ले। प्ले हम लोगों ने सर्च किया, अब हमें यहाँ पे वो सर्विस ढूंढनी है जो हम लोगों को एक्चुअल में चाहिए। तो ये ऊपर आ रही है गूगल प्ले सर्विसेज, यहाँ से आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है एंड नीचे आपको दिख रहा होगा ये नीचे से थर्ड वाला अनस्टेबल करके, इसको आपको इनेबल कर देना है। तो ये दोनों हमने इनेबल कर दिए, हमारा आधा काम हो चुका है। अब इसके बाद में हम अपने फ़ोन को करना होगा रीबूट, तो वो आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ से कर देने वाला हूँ। ओके, तो फ़ोन हमारा रीबूट हो चुका है, अब इसको सिंपली पहले तो कर लेते हैं भाई अनलॉक। और इसके बाद में अब वापस जाना है अपनी उसी एप्लीकेशन में जहां हम लोग स्टेटस चेक कर रहे थे। ऐप ओपन कर लेते हैं, तो ऐप हमारी ओपन हो गई है, रन सेफ्टी नेट टेस्ट फिर से करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे जो बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल मैच हैं वो दोनों पास हो चुके हैं। तो बस इतना ही आप लोगों को करना था, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यही था मेरा ट्यूटोरियल जिसको फॉलो करके आप भी अपने फोन पे CTS प्रोफाइल वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी मैजिस्क 24 के साथ में तो अब आप उस चीज को इजीली कर सकते हो। और एक एडिशनल चीज आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के बाद भी आपके फोन पे CTS प्रोफाइल वाली प्रॉब्लम बनी रहती है, फिक्स नहीं होती है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसका एक और भी अल्टरनेट मेथड है जिसके ऊपर मैं आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अगर ये मेथड काम नहीं करता है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप उसको सबसे पहले देख पाओ। इसके अलावा मन में कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। भाई मेरा पीछा पीछा करना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, वरना मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।